नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 23 अप्रैल, साथियों इस वीडियो के तहत संबंधित शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हर प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। आज की पहली अपडेट, माध्यमिक शिक्षा के हाल बेहाल, कर्मचारियों के 33.28% पद है रिक्त। माध्यमिक शिक्षा में 1,23,000 पद खाली, 4 महीने में मात्र 11,000 पदों पर हुई नियुक्ति। आप देख सकते हैं प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के हाल खराब है। यहाँ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के 3,71,000 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 1,23,000 पद खाली है। विभाग में 2,47,000 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत है। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ के 79,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने से अब नए सत्र में स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने बजट में 75,000 पदों पर नई भर्तियों का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इनका भी वर्गीकरण जारी नहीं किया है। इससे इन पदों में शिक्षकों के कितने पद हैं ते नहीं है। नई सरकार के पिछले 4 महीने के कार्यकाल में नियुक्तियों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में महज 11,000 पदों पर ही नई नियुक्तियाँ दी गई है। खाली पड़े पदों के मुकाबले यह ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। यहाँ पर देख सकते हैं विभाग में शिक्षकों के कुल 79,540 पद खाली, नई सरकार में मिली 11,000 नियुक्ति। और किस किस प्रकार से ये खाली है आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल के कुल पद में से 6,865 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल के 11,939 पद रिक्त है। व्याख्याता के 12,646 पद रिक्त चल रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 25,000 से अधिक पद रिक्त है यहाँ पर। और थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो 22,898 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। यह आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग का हाल। और यहाँ पर रविंद्र चौधरी, प्रदेश संयोजक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, कहा है उन्होंने, सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से प्रारंभ करनी चाहिए, वरना बच्चों की पढ़ाई चौपड़ होने की नौबत आ जाएगी। बजट में घोषित 75,000 पदों का वर्गीकरण भी जारी करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। यहाँ पर आरपीएससी से जुड़ी आज की, आरपीएससी सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग, एटीपी की कल से सांख्यिकी अधिकारी 29 से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। नगर नियोजक विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर एटीपी पदों के लिए कल काउंसलिंग होगी, और जबकि सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए काउंसलिंग 29 से शुरू होगी। आयोग ने काउंसलिंग लेटर जारी कर दिए हैं। ये आरपीएससी से जुड़ी अपडेट। और यहाँ पर 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 से जिले में 1,14,000 विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुँचना होगा यहाँ पर 5वीं बोर्ड परीक्षा। जयपुर जिले से संबंधित अपडेट यहाँ पर। और यूजीसी नेट 16 जून को आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। नए बदलाव के साथ पहली बार यूजीसी नेट का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 10 मई अंतिम तिथि इसकी रहेगी। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा स्कीम में बदलाव किया गया है। जेआरएफ वाले लेक्चरशिप के साथ ही पीएचडी एंट्रेंस के लिए संयुक्त रूप से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर लाइब्रेरियन पीटीआई के 54 पेपर और खोज व उत्खनन की परीक्षाएं अगले माह। राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा सीजन 16 मई से वापस शुरू हो रहा है। 1.5 महीने में 55 पेपर होंगे और 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इनमें शामिल होंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई पदों के लिए होने वाली पेपरों की परीक्षाएं आयोग जयपुर अजमेर में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर आरटीई, अब तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन। अगली खबर है उच्च शिक्षा, 4 साल के यूजी पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड जरूरी। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले भी अब दे सकेंगे यूजीसी नेट परीक्षा। पीएचडी में होगा सीधा प्रवेश। 75% अंक जरूरी, आरक्षण का मिलेगा लाभ।
चार वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकें यदि उनके पास 75% कुल अंक या समकक्ष ग्रेड है तो। आप देख सकते हैं प्री डीएलएड 1 मई से शुरू होगा। रिफंड मॉड्यूल, प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा पंजीयन शुल्क। प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए पंजीयन शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश में असफल रहे करीब 90,000 विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस लौटाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। और यहां पर निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए 19 जून तक आवेदन। रेलवे में अप्रेंटिस के 861 पद भरे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये, और 9 मई तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने 24,000 टीचर्स की भर्ती रद्द की, 8 साल का वेतन भी लौटाना होगा। 8 साल का वेतन भी यहाँ पर लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपडेट है, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में 23,753 नौकरियाँ रद्द करने का आदेश दिया। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, चुनाव बाद सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म, शिक्षा मंत्री बोले 99% निजी स्कूल सहमत, जबकि विरोध में आए स्कूल एसोसिएशन। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान करने का ऐलान किया है और मंत्री मदन लाव ने, आप देख सकते हैं ये। अगली अपडेट से, कोटा विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज में फीस महंगी होने के कारण LLM में प्रवेश नहीं ले पाते विद्यार्थी। हाड़ौती के किसी सरकारी कॉलेज में नहीं, LLM 40 सीटों की स्वीकृति मांगी। समान परीक्षा परिणाम 7 मई तक होगा जारी। संस्कृत कॉलेज शिक्षा परीक्षा 29 अप्रैल से जगतगुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की अलग अलग कक्षाओं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा परिणाम के तहत रैंक और कट ऑफ परसेंटाइल होगी जारी। जेई मेन अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी। फिजिक्स व मैथ्स के प्रश्न त्रुटिहीन मिले। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी परीक्षा, ऑफलाइन होगी, साल में 2 बार ली जाएगी। पहला सेशन जून और दूसरा दिसंबर में होगा। नए पैटर्न पर UGC नेट 16 जून को होगी। आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 10 मई। MDHU परीक्षा टाइम टेबल जारी, 8 से शुरू होगी। UGPG की परीक्षाओं का होगा आयोजन। यहाँ पर 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं जारी, 2 पारियों में हो रही परीक्षा, 3.25 घंटे के पेपर। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले में 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी दे रहे परीक्षा। यहाँ पर राजस्थान में सिविल जज के 222 पदों पर आवेदन, 8 मई अंतिम तिथि इसकी रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर के 827 पदों पर विज्ञप्ति जारी, 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। राजस्थान के सैनिक स्कूल में TGT समेत 11 पदों पर नियुक्तियां। UGC नेट अब ऑफलाइन होगा, एग्जाम आवेदन 10 तक। तो साथियों, ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।